अगर कोई एंकर पर्सन, कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि मुस्तफा कमाल के साथ, कमाल उत्तोले के साथ कोई ये कह दे कि कमाल उत्तोले को फौज नहीं लेकर आई, डिफेंस में बंगले नहीं दिलाए, कोई एक एंकर पर्सन एक साफ ही कह दे, कोई एक एंकर पर्सन एक साफ ही ये कह दे कि मुस्तफा कमाल के जितने साथ हैं, चोर, उचक्के, चाइना कटिंग, भत्ताखोर, कातिल, जमीनों पर कब्जा, पार्कों पर कब्जा करने वाले जिनको बार बार मैंने निकाला, इन्होंने छूटे कुरान उठा के माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया। लेकिन मैं भाई बहनों से अपील करता हूं कि अब खुदा के लिए मुझसे ये मत कीजिए, कहिए कि अल्ताफ भाई अब किसी को माफ नहीं करना, ये मेरा आपसे वादा है। मैं कई दफा कह चुका हूं, इन गद्दारों को माफ करने का मतलब यह है कि मैं शहीदों के लहू की तौहीन कर रहा हूं। मैंने माफी का दरवाजा गद्दारों के लिए ताला लगा के चाबी फेंक दी, समंदर में खो गई। टाइटैनिक तो बहुत बड़ा जहाज था, निकाल लिया, फिर भी 80 साल बाद अब नहीं निकल सकता, इतना सा गुच्छा है चाबी का। जितने चोर यार मक्कार और कहते हैं कि कराची में हमने अमन कायम कर दिया, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी, तो मैं जब आप में अगर ये कहूं तो कैसे लगेगा कि फौज ने आपको मार मार के ठुड्डे लगा लगा के पंजाब में अमन कायम कर दिया, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? अमन तो है पंजाब में, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहा है, सिर्फ आपके अगर नहीं हो रहे तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी जमात की वफादारियां तब्दील कराई जा रही है तो आपको चिड़ क्यों हो रही है? जनरली तो फौज ने अमन कायम कर दिया पंजाब में। लगी चिपकी चिपकी चिपकी, याद रखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ कि तुमने कराची में अमन कायम किया है या कब्रिस्तानों का में शहदा के इजाफा किया है। आज तुम्हारे ऊपर कारमा हो रहा है, कारमा तुम्हारे ऊपर हो रहा है, मुस्लिम लीग के ऊपर हो रहा है।